अल्लू ताजपुरिया ने यूपी के गैंगस्टर सुनील राठी के शूटर राहुल फफूंदा और नवीन बाली के शूटर जयदीप उर्फ जग्गा की गोगी की हत्या के लिए तैयार किया था। राहुल का निशाना कभी चूकता नहीं था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही जितेंद्र गोगी की हत्या की साजिश रची जाने लगी थी। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टिल्लू ताजपुरिया, सुनील राठी और नवीन बाली ने आपस में हाथ मिला लिया है। जेल में रहने के दौरान ही ये दोस्त बन गए और इन्होंने कोरोना काल में जितेंद्र गोगी की हत्या की साजिश रचना शुरू कर दिया था। कोर्ट में जब से कैदियों की पेशी होनी शुरू हुई तब से गोगी की हत्या की साजिश तेज हो गई थी। टिल्लू ताजपुरिया के कहने पर सुनील राठी ने अपना सबसे बढ़िया सूटर राहुल टिल्लू को दे दिया था। गोगी की हत्या के लिए रोहिणी कोर्ट में कई दिनों से रैकी गई थी। साजिश ये थी कि ये कोर्टरूम में जितेंद्र गोगी की हत्या कर अन्य कोर्ट में होकर फरार हो जाएंगे। हमलावरों ने इस बात की पूरी रैकी कर ली थी कि किस किस कोर्ट से रास्ता जाता है और कैसे फरार होना है। उन्हें ये पता नहीं था कि जितेंद्र गोगी के साथ पुलिसकर्मी भी कोर्टरूम में आ जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि तीनों गैंगस्टर को जितेंद्र की हत्या करनी ही थी, चाहे वो कोर्ट में करनी पड़े या बाहर। दिल्ली का सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया मंडोली जेल में बंद है। वह जितेंद्र का जानी दुश्मन था। रोहिणी कोर्ट शूटआउट को अंजाम दिलवाने में सबसे मुख्य रोल इसी का माना जा रहा है। दोनों कभी दोस्त थे और अब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। उसने जितेंद्र की हत्या करवाने के लिए सुनील राठी का शूटर राहुल मांगा था। सुनील राठी बागपत का कुख्यात गैंगस्टर है। बागपत जेल में इसने ही मुख्तार अंसारी के करीबी मुन्ना बजरंगी को मौत के घाट उतारा था। सुनील राठी मंडोली जेल में बंद टिल्लू ताजपुरिया का दोस्त बन चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अपराध जगत में सुनील राठी का बड़ा नाम है। बताया जाता है कि अपने पिता की हत्या कर उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद एक एक करके चार लोगों को मौत की नींद सुला दिया। उसकी मां पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर छपरौली विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। नवीन बाली दिल्ली का बदमाश है और अब टिल्लू के गैंग के साथ आ चुका है। बताया जा रहा है दूसरे शूटर को इसने तैयार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।